मोर देन द फियर ऑफ डिसीजंस गोइंग रॉन्ग, मुझे लगता है कि हमारे जो इन डिसीजंस की जो अवस्था है ये ज्यादा चैलेंजिंग होती है। मोर देन वी टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, ये हमारे जो पेंडिंग डिसीजंस हैं ये ज्यादा नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए। हमारे डिसीजंस, मुझे नहीं मालूम कि हमारे लैप में कोई मौके कोई अपॉर्चुनिटीज लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन हमारे इन डिसीजंस या हमारे स्टेट ऑफ इनडिसाइसिवनेस हमसे बहुत मौके छीन लेगी, ये बात तो पक्की है। अभी कुछ दिन पहले बोर्ड एग्जाम जो सीबीएसई बोर्ड है उसने निर्णय लिया, उसने डिसीजन लिया कि 10th के बोर्ड्स नहीं होंगे। और जब से ये डिसीजन हुआ तो बच्चों के मन में ये बात घर में चल रही है, उनके दोस्तों के बीच में बात चल रही है कि उनके आईसीएसई के 10th के बोर्ड होंगे कि नहीं होंगे। वो व्हाट्सएप पे बातें हो रही है, फोन में बातें हो रही है, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही है। सो दे आर स्टडिंग बट नॉट स्टडिंग, और पढ़ाई भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो कुछ और भी नहीं कर रहे। एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 2-3 डेज। तो आज सुबह मैंने उनको बोला कि बेटा दिस इज नॉट राइट, हम ना पढ़ाई कर रहे हैं और ना हम कुछ और कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ डिसीजन। एंड द डिसीजन इज कि अगले 3 दिन तक ऐसा मानते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है, एंड नेक्स्ट 3 डेज वी विल बिहेव, वी विल बिलीव कि एग्जाम्स नहीं है। और बोर्ड क्या लेगा डिसीजन, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, जब वो लेगा मंडे ट्यूसडे को फिर देखेंगे क्या करना है, तब तक के लिए लेट्स टेक अ डिसीजन। और हमने जब डिसीजन लिया उसके बाद से बहुत सारी चीजें देखने लग गई। तो चलो कमरा साफ कर लेते हैं, चलो कोई म्यूजिक वीडियो बना लेते हैं, चलो कुछ और किताब पढ़ लेते हैं, चलो समथिंग एल्स, एंड मे बी कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीख लेते हैं, एंड लॉट ऑफ दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग अप। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये ताकत है इनडिसाइसिवनेस की, ये इनडिसाइसिवनेस या ये कंफ्यूजन हमसे हमारी एनर्जी छीन लेता है, ये इनडिसाइसिवनेस हमसे हमारे मौके छीन लेता है, ये इनडिसाइसिवनेस हमारी जिंदगी को पकड़ के रखता, आगे बढ़ने नहीं देता। तो डिसीजंस लीजिए, क्या होगा, गलत होंगे सही होंगे, गलत हो गए तो जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा लेकिन आगे तो बढ़ेंगे, और सही हो गए तो फिर आगे भी बढ़ेंगे और जो मिलना वो भी मिलेगा। सो यस आई विल डू इट और नो आई विल नॉट डू इट, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो बीच की सिचुएशन है, मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये बड़ी नुकसानदायक है। सो माय द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज कैन यू टेक सम पेंडिंग डिसीजंस, कैन यू मूव अवे फ्रॉम द स्टेट ऑफ स्टॉलिंग। ये स्टॉलिंग की आदत है, बगू देखते हैं कल करेंगे, उद्या कभी तो करेंगे, किसी भी एरिया में इनडिसाइसिवनेस है वो अंदर ही अंदर आपको खा रही है, ये बात आप ध्यान रखिए। विश यू ऑल टेक सम डिसीजंस व्हिच हैव बीन पेंडिंग फॉर लॉन्ग। नमस्ते।